everybody mute please. Thank you very much. Okay. So, आज की वीडियो में अपनी मैं किडनी फंक्शन टेस्ट का मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली क्रिएटिनिन जो मैंने टेस्ट करवाए थे कुछ टाइम पहले। मैंने स्टार्ट किया था ये क्रिएटिनिन टेस्ट करना अपना, और ये मेरी 27 अप्रैल की ये रिपोर्ट है जिसमें क्रिएटिनिन आप देख सकते हो कि मेरा है 1.6 जो है क्रिएटिनिन है, हाई माना जाता है। आपका यूजली 0.7 से 1.4 तक होना चाहिए। अगर 1.4 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनीज जो हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रही हैं। क्रिएटिनिन, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपके ब्लड के अंदर, और आपकी किडनीज का काम होता है कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को छान के आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालना और आपके ब्लड को बेसिकली प्योरीफाई करना। तो अगर ब्लड में इसकी मात्रा 1.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा बनता है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है। जब मैंने 27 अप्रैल को ये टेस्ट करवाया था तो मेरी रिपोर्ट थी 1.6। तो मतलब जिससे भी मैंने बात की, 2 MBBS डॉक्टर्स हैं जिनसे मैंने बात की, एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, MD नेफ्रोलॉजिस्ट है, उससे मैंने बात की, एक अपना ही है कुछ बंदा MBBS डॉक्टर है, उससे भी मैंने बात की, और उन्होंने बताया कि किडनीज जो है मेरी वो शायद उतने अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। और दोनों ही डॉक्टर्स को मैंने बताया था कि मैं मतलब जिम जाता हूँ, मैं सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, मैं वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ, साथ में क्रिएटिन यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर करके मैं ये दो ही सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स मेरे होते नहीं हैं। ये दो सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता था, दोनों के बारे में मैंने दोनों डॉक्टर्स को बताया, और दोनों ने मुझे सलाह दी थी कि आपको जो वे प्रोटीन है वो बंद करना पड़ेगा, क्रिएटिन ऑफ कोर्स बंद करना पड़ेगा। और आपको एक डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो उसने मुझे ये भी बोला था कि बहुत ज़्यादा जो मसल मास है वो सही नहीं है, ऐसा करके उसने बोला था। बट एनीवेज मुझे पता था कि जो मेरा ये क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा आया है ये क्रिएटिन कंजम्पशन की वजह से आया, जो मैं सप्लीमेंट यूज़ करता था क्रिएटिन उसकी वजह से आया है, क्योंकि क्रिएटिन जो होता है वो भी क्रिएटिनिन में ही ब्रेक डाउन होता है, और आमतौर पर जब आप क्रिएटिन यूज़ करते हो तो क्रिएटिनिन लेवल्स थोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। ये मैंने अपनी क्रिएटिन वाली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, लेकिन जब बंदे के ऊपर खुद आती है, खुद अपने लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर जाते देखता है, खुद किसी रिपोर्ट में गड़बड़ देखता है ना, तो फिर थोड़ा सा वहम हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने क्रिएटिन को बंद करके बाकी की सारी चीज़ों को एज इट इज़ रखा, मतलब वे प्रोटीन मैं यूज़ करता रहा, मैं जिम जाता रहा, ऑफकोर्स अपने मसल मास को मैंने मेनटेन करके रखा, और मैंने अपना क्रिएटिनिन टेस्ट दोबारा करवाया था। ये है 10 मई की रिपोर्ट है ये, इसमें मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल आया था आप देख सकते हो 1.4। तो सिर्फ क्रिएटिन छोड़ने से मेरा जो लेवल है वो 0.2 नीचे आ गया था, मतलब 1.6 से 1.4 आ गया था, लेकिन 1.4 इज़ स्टिल कंसिडर्ड हाई। अगर आप किसी डॉक्टर को बोलोगे कि मेरा क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 1.4 है, तो वो आपको बोलेगा कि आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, आपको हो सकता है कि दवाइयाँ भी वो रेकमेंड करे, प्रिस्क्राइब करे। मुझे तब भी यकीन था जब 1.4 आया था कि अगर क्रिएटिन छोड़ने की वजह से भी स्लाइटली हाई है क्रिएटिन, मेरा क्रिएटिनिन लेवल, तो भी मेरी किडनीज़ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसका रीज़न है कि जब हम साइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मैं 6'1" हूँ, अगर मैं मस्कुलर हूँ, फैट बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे शरीर के ऊपर, मोस्टली जितना मेरा वज़न है लीन बॉडी मास है, तो अगर मसल आप ज़्यादा कैरी करते हो तो भी आपके क्रिएटिनिन लेवल्स ज़्यादा आते हैं, ये मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि जब आपकी किडनीज सही से फंक्शन नहीं करती तो आपको कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई देने चालू हो जाते हैं, जैसे कि आपको फटीग्ड रहोगे आप बहुत ज़्यादा, फटीग नहीं होती थी मुझे आमतौर पर, यूरिन जो होता है वो झाग आते हैं उसके बहुत ज़्यादा, आप जब फ्लश में देखोगे ना तो झाग होंगे बहुत ज़्यादा, ये सिम्टम होता है, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह का कोई भी सिम्टम नहीं था जो कि मुझे लग रहा था कि किडनीज़ जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ नंबर्स को सिर्फ देख के इन सारी चीज़ों को, बाकी की चीज़ों को, जैसे कि उनको देखना चाहिए था मेरे केस में कि मैं कितना मसल मास कैरी करता हूँ, मेरा प्रोटीन इनटेक कितना है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उनको मुझे सलाह देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक नंबर देखा 1.6 और उन्होंने कहा कि आपके किडनीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे जो क्रिएटिनिन होता है ना, ये सिर्फ इन एंड ऑफ इटसेल्फ कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है किडनी फंक्शन को टेस्ट करने का, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर है कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बस ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि आप GFR करके एक टेस्ट होता है वो करवाओ, फिर आपकी किडनी का फंक्शन जो है सही से पता चलता है। तो आज जब मैंने ये करवाया था 1 अक्टूबर को, ये मेरी रिपोर्ट है, उसमें मेरा जो क्रिएटिनिन लेवल आया है ये है
1.1, तो ये अभी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। अगर मैं सेम डॉक्टर के पास जाऊं जो मुझे बोल रहा था कि आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है, तो वो ये रिपोर्ट देख के वो बोलेगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑफ़ कोर्स इन टेस्ट्स की, इन डॉक्टर्स की एडवाइसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि आपको एक छोटा सा नंबर देख के आप पैनिक में आ सकते हो, डॉक्टर की कही हुई बात से आप पैनिक में आ सकते हो कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। एंड स्पेशली अगर आप ये बात बोलोगे ना जाके किसी भी डॉक्टर को कि मैं जिम जाता हूँ, सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ, तो ये उनका डिफ़ॉल्ट एक आंसर रहता है कि सप्लीमेंट यूज़ करता है, जिम जाता है, तो फिर तेरे ये वाले टेस्ट गड़बड़ी आने। मैंने ये एटीट्यूड देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स में। मैंने 4 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, ठीक है, 2 को मैंने, जो मैंने आपको बताया 2 के बारे में, 2 और डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने कंसल्ट किया, लेकिन एक जनरल सी वाइब जो है डॉक्टर्स में सप्लीमेंट्स को लेके, जिम को लेके, वो यही है। डॉक्टर्स में इस तरह की वाइब क्यों है, इस तरह की एक जनरल सी थिंकिंग क्यों है, क्योंकि फेक सप्लीमेंट्स की वजह से जो उस्ताद लोग होते हैं पता नहीं क्या मिला के दे देते हैं। तो जब इस तरह के लोग किसी परेशानी को लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स को लगता है, और वो बोलते हैं कि मैंने सिर्फ सप्लीमेंट खाया था, उसकी वजह से ये सब हो गया। तो डॉक्टर्स को इस तरह के केसेस बहुत सारे हैंडल करने पड़ते हैं, तो उनका भी कसूर नहीं है। वो देखते हैं, वो ये नहीं उनको पता कि कौन सा सप्लीमेंट सही है, ना ही उनके पास टाइम है कि कौन सा सप्लीमेंट सही है, इसने सही खाया है कि नहीं खाया। कई बार तो क्या होता है कि बंदे ने जो खाया उसको खुद ही नहीं पता होता कि उसने क्या खाया। तो इस वजह से ना ये एक बड़ा सा एक हवा सा बना हुआ है सप्लीमेंट्स को लेके, जिम को लेके। तो मेरे केस से आप ये सीख सकते हो कि डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह के साथ साथ आपको सेल्फ अवेयर भी होना पड़ेगा, आपको एजुकेट भी होना पड़ेगा थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पर, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, आपके टेस्ट कुछ गड़बड़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनमें से कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से हमें भी पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ऐसी इस तरह की कोई एक छोटा सा नंबर देख के हो सकता है कि आप पैनिक में आ जाओ, कुछ आप गलत डिसीजन, आप गलत मेडिकेशन के ऊपर चले जाओ जिसकी कि आपको ज़रूरत भी नहीं थी। और ये जो 1.6 से 1.1 मेरा क्रिएटिनिन लेवल गया है, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं ये देखना चाहता था, मैं अपने आप को ये प्रूव करके करना चाहता था, क्योंकि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे कुछ खराबी अपने शरीर में फील नहीं हो रही, तो मैं देखना चाहता था कि जिस तरह का लाइफस्टाइल मेरे मुताबिक, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूं, तो मैं अपने लाइफस्टाइल में बिना कोई चेंज किए, बिना अपना प्रोटीन इनटेक कम किए, बिना अपना जो जिस तरह की मैं ट्रेनिंग करता हूँ जिम में जाके, बिना उसमें कुछ भी चेंज किए, मैं देखना चाहता था कि ये जो क्रिएटिनिन लेवल है ये ओवर टाइम कम होता है, नहीं होता, वहाँ पे स्टे करता है, ऊपर जाता है, होता क्या है, ये मैं देखना चाहता था अपने साथ। तो बिना कुछ भी चेंज किए सिर्फ क्रिएटिन मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि क्रिएटिन जो होता है वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाना था वरना, है ना, मतलब कि क्रिएटिन के खाने से आपका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, क्रिएटिन जो है वो ब्रेकडाउन होगा क्रिएटिनिन में, उससे आपकी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ऊपर जाएंगी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो फॉल्स पॉजिटिव आए, इसलिए मैंने क्रिएटिन छोड़ दिया था। बाकी की सारी चीज़ें, वे प्रोटीन जो है वो मैं जितना खाता था उतना ही खाता हूँ अब, जितना मैं चिकन खाता था, जितने मैं एग्स खाता था, जिस भी तरह की जो भी चीज़ें मैं जो भी काम करता था वो वैसे का वैसे है, और 1.6 से मेरा 1.1 अपने आप आ गया है। ये चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्स जब आप खाते हो तो आप जेन्युइन सप्लीमेंट्स हों, कोई भी ब्रांड का सप्लीमेंट आप खाना चाहते हो उसी ब्रांड की वेबसाइट से आप बाय करेंगे, जेन्युइन मिलेगा आपको। सिर्फ कोई कुछ अननेम्ड सा सप्लीमेंट आपको देता है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वो चीज़ें आप ना खाएं। बाकी का जो काम है, आप जिम जाते हो, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, इससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट ही होगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा। मज़े करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, बैडास।